दोस्तों मैं अभ्यास भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संतुलित आहार एवं पोषक तत्व। कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे कि इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, धुंधली दिख रही है, तो मेरा उनसे अनुग्रह है कि आप कम से कम 15 से 20 सेकंड तक वीडियो देखें, उसके बाद इमेज अपने आप क्लियर हो जाती है। काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या हो रही है क्योंकि पिक्चर क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। साथ ही एक मित्र ने थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स लिखने के लिए बोला था, तो उसका भी मैंने आज प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इस टॉपिक से पेपर में 8 प्रश्न आने हैं तथा इसका सिलेबस है किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था में किस प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है, कितने कैलोरी हमको जरूरी है ऊर्जा, और वो हमको कहां कहां से प्राप्त करनी है। इस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में आएंगे। शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि पिछले साल यानी 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो देखिए साथियों, इस तरीके के प्रश्न आए थे कि आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु का कितने गुना हो जाएगा, इस तरीके का। यहाँ पर ये भी देखिए आप, तो यहाँ पे मैंने 10 प्रश्न निकाले, हालांकि 8 ही प्रश्न होंगे इस टॉपिक से, लेकिन वो टॉपिक लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इस वजह से 10 प्रश्न हो गए हैं, क्योंकि वहाँ क्लियर नहीं दिया रहता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए आप, ये मैं आपको फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर इसके आंसर भी दे दूंगा इस, और यहाँ पर मैं वीडियो के आखिरी में ये तीनों ही आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिससे आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। दोस्तों जब आप ये प्रश्न कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नवजात या शैशव अवस्था में पोषण से, न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी। दोस्तों बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक उसके विकास की गति सबसे ज़्यादा होती है, उसके शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि उसको एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब वह जन्म से 6 माह तक उसको 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन चाहिए होती है, और 6 माह से 12 माह तक कैलोरी मात्रा थोड़ी घट जाती है, 98 कैलोरी पर केजी प्रतिदिन चाहिए। दोस्तों ये पर केजी प्रतिदिन का क्या हिसाब किताब है ये देख लेते हैं। पर केजी, जैसे बच्चा मान लीजिए आपका 3 किलो का पैदा हुआ है, तो उसको कितना 103 × 108 × 3 इतने कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर 6 महीने का बच्चा आपका 5 किलो का हो जाता है तो 98 × 5 कैलोरी इतनी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये बच्चे के वजन के हिसाब से कैलोरी प्रतिदिन बताया गया है कि इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और कैलोरी क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। और देखिए ये भी हम सभी को पता है कि शुरुआती 6 महीने में केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है, केवल स्तन पानी कराया जाता है, तो ये जितनी भी कैलोरी है वो ऊर्जा बच्चे को माँ के दूध से ही मिलेगी, जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि होता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट माँ के दूध में किस रूप में पाया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं, पिछली बार भी आए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। तो माँ के दूध में जो प्रोटीन है वो लैक्टो एल्यूमिन के रूप में पाया जाता है, और इतनी प्रोटीन की मात्रा जरूरी होती है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी माँ के दूध में लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। वसा जो है वह शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, और ये लिनोलिक अम्ल जो है वो माँ के दूध में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। पाया तो ये अन्य भी दूधों में भी जाता है, जैसे गाय के दूध में और भैंस के दूध में, लेकिन माँ के दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं खनिज लवण, मिनरल्स पे। तो दोस्तों जो माँ के दूध में लोह लवण केवल अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, बाकी सारे लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खनिज लवण की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। ये मात्रा यहाँ पर लिख रखी है दोस्तों, ज़्यादातर ये मात्राएं आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि लगभग किस एयर फेयर में ये हमको ज़रूरी होती हैं। बच्चों के पोषण के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें और भी हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जन्म के समय जो बच्चे का वजन होता है, एक साल बाद वह जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है, और किस तरीके से बच्चे के वजन में वृद्धि होती है, इसकी टेबल मैंने पूरी टेबल फेसबुक ग्रुप पे डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से फेसबुक ग्रुप पे जा सकते हैं और वहाँ से पूरी टेबल देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना वजन हर महीने या हर साल बढ़ता है बच्चे का। दूसरा, अगर बच्चे का जन्म होते ही उसका वजन 2.5 किलो से कम है तो ANM या डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। हमको ध्यान रखना होता है कहीं ये बच्चे कुपोषित ना रह जाएं, क्योंकि उनकी धात्री को समय पर्याप्त संतुलित आहार नहीं मिला, इसी वजह से 2.5 किलो से कम का बच्चा हुआ है। तो अब बच्चे के पोषण पर हमको ध्यान देना होगा, तो ये ज़रूरी बातें हमको ध्यान रखनी है। अब आते हैं विटामिन पर कि शिशु को कितनी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये पूरा चार्ट दे रखा है आपको, आप इस चार्ट का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर अलग अलग मापक पैमाने दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर इसको IU में बताया गया है, या माइक्रोग्राम पर kg, माइक्रोग्राम पर kg, मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि IU क्या होता है। दोस्तों 400 IU बराबर होता है 10 माइक्रोग्राम, यानी कि ये जो IU है वो काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से इनको हम IU यूनिट में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबको क्या करना है कि ये टेबल एक बार रफली देख लेनी है, क्योंकि इससे प्रश्न तो नहीं आना, लेकिन क्या है कभी कभी प्रश्न आ भी जाए तो हमको एक जनरल आइडिया रहता है कि विटामिन सी मिलीग्राम में लेते थे, विटामिन डी ये IU में लेते थे, यानी कि माइक्रोग्राम से भी बहुत कम है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो दे रखे हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, ये सब माइक्रोग्राम्स में लेते थे, तो एक जनरल आइडिया लग जाएगा और अपन ऑप्शंस को हटा पाएंगे, दूसरे जो सही ऑप्शन नहीं है उनको अपन हटा सकते हैं इस सहायता से। अब हम देखते हैं कि स्तनपान का क्या महत्व है। दोस्तों हमको पता है कि 0 से 6 यानी कि जन्म से लेकर 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो बोतल का दूध किस प्रकार से दिया जाए और अन्य पोषक तत्व किस प्रकार से दिए जाएं, ये जानने के लिए आप फेसबुक ग्रुप पे मैंने एक पोस्ट की है और वहाँ पे टेबल भी दी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये टॉपिक, इस वजह से मैं वीडियो लेंथ को ना बढ़ाकर उसको मैंने फेसबुक ग्रुप पे डाल रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं स्तनपान का क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि जन्म से 6 माह तक केवल माता का दूध ही देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि माँ के दूध में ऐसा क्या क्या होता है जो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरू में तो माँ का दूध पतला होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जन्म होता है तभी, लेकिन जैसे जैसे शिशु के पाचन अंगों में मजबूती आती है, माँ के दूध में भी गाढ़ापन बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूध को पचाने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, वैसे ही दूध का गाढ़ापन भी बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, माता का दूध शिशु को सही तापक्रम पर प्राप्त हो जाता है तथा दूध को गर्म नहीं करना पड़ता। देखिए दोस्तों, अगर हम बोतल का दूध दे रहे हैं तो उसको गर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमको नहीं पता शिशु बहुत ही नाजुक है, उसका जन्म हुआ है बहुत नाजुक है, उसको कितना ज़्यादा गर्म हो गया या ठंडा हो गया, तो ये चीज़ें हमको नहीं मालूम होती हैं। ठीक है, लेकिन माता के दूध के लिए हमको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सही तापक्रम पर प्राप्त हो जाता है, शिशु को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, माता के दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन होती है जो शिशु को आंत से संबंधित रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक रहती है जिससे शिशु को कब्ज नहीं होता, लैक्टोज की वजह से कब्ज नहीं होता है। अगला पॉइंट है, माता के दूध में प्रोटीन
और एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ से क्या है, रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हम रोगों से लड़ सकते हैं, जो कि शिशु को कुपोषण से बचाते हैं तथा अनेक गंभीर रोगों से रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट है, स्तनपान कराने से बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स संतुष्ट होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है, इससे क्या है, शिशु के मुंह का व्यायाम भी होता रहता है और जबड़े, मुंह तथा गाल की मांसपेशियों के निर्माण में सहायता मिलती है और दांत भी सही प्रकार से निकलते हैं। यानी अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसकी एक्सरसाइज होती रहती है, जिस वजह से उसके दांत सही तरीके से निकलते हैं और जो हड्डियाँ हैं जबड़े की, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था में पोषण पे। तो दोस्तों बाल्य अवस्था जो अवस्था है वो 5 साल से लेके 12 साल तक की अवस्था रहती है। यहाँ पर 6 वर्ष के आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं बच्चों के और 12 से 13 वर्ष में सभी दांत स्थायी हो जाते हैं और लगभग 28 दांत आ जाते हैं। दोस्तों बाल्य अवस्था के लिए जो कैलोरी चार्ट है वो मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बुक से मैंने देखा तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, कहीं कुछ मांग रहे थे कहीं कुछ। तो उसके बाद मैंने जो ऑफिशियल न्यूट्रिशन विभाग है भारत का, ICMR की जो रिपोर्ट है वो मैंने पूरी देखी है और उसका जो समराइजेशन उनके एक प्रोफेसर ने किया है, 30 पेजेस की एक PDF फाइल है, वो मैंने ग्रुप पर डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना ग्राम विटामिन चाहिए, कितने खनिज लवण चाहिए और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कैलोरी मात्रा भी तरीके से क्लियर हो जाएगी और वो ऑथेंटिक है, मतलब कि अगर वहाँ से ही प्रश्न बनाया जाएगा और मतलब वो उसको माना जाएगा। वैसे तो हर किताब में अलग अलग दे रखा है, कहीं पे कैलोरी मात्रा कुछ दे रखी है, कहीं पे कुछ दे रखी है, इस वजह से कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप डायरेक्ट वहीं पर फेसबुक ग्रुप पर जाइए, ICMR करके PDF फाइल में डाल देता हूँ, उसको आप डाउनलोड करिए, 30 पेजेस की फाइल है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, न केवल बाल्यावस्था का बल्कि किशोर अवस्था का और वयस्क अवस्था, शिशु अवस्था, सभी के बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। अब आते हैं हम किशोर अवस्था में पोषण पे, न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंस। तो किशोर अवस्था 12 साल से शुरू होती है और लगभग 18 साल तक रहती है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी बोला गया है और बहुत से साइंटिस्ट ने इसको संक्रमण काल भी बोला है, क्योंकि अगर आप समुदायी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता होगा किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर केवल इतना देखते हैं कि किशोर अवस्था में किस प्रकार का संतुलित आहार चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में पूछा गया है। तो देखते हैं, देखिए बाल्यावस्था में लगभग 9 साल तक तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को बिल्कुल एक जैसी डाइट की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे ही 9 साल से ऊपर होता है वैसे ही धीमे धीमे लड़कियों को भोजन की कम आवश्यकता होती है एनर्जी की, लड़कों को एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगती है। तो वहीं यहाँ पर किशोर अवस्था में यहाँ पर ये अंतर आपको साफ दिखाई देगा। जैसे कि प्रोटीन है, तो जो बच्चे हैं लड़के हैं उनको 55 ग्राम चाहिए, ग्राम में दे रखा है ये सब चीज़, एक दिन में 55 ग्राम, और लड़कियों को 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की यहाँ 300 है लड़कों को, तो लड़कियों को 230। इसी प्रकार से शर्करा में अंतर है, वसा में भी अंतर है, लवण में भी अंतर है, रेशे और नमक में कोई अंतर नहीं है। और लगभग अगर हम कैलोरी के रूप में देखें एक जनरल आइडिया, तो लगभग जो अच्छी तरीके से एक्टिव है, तो मतलब जिसका गतिविधि ज़्यादा कर रहा है, मेहनत कर रहा है थोड़ी बहुत, ऐसे किशोर को 3000 कैलोरी पर डे चाहिए होता है और ऐसी लड़की को यानी किशोरी को 2400 कैलोरी पर डे की ज़रूरत होती है। आइए अब देखते हैं वयस्क हेतु कितना संतुलित आहार होना चाहिए। यहाँ भी हम कैलोरी चार्ट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग एज ग्रुप बना दिए हैं वयस्क के लिए, लेकिन अगर पेपर में केवल वयस्क के ही बारे में पूछा जाए तो आप 19 से 30 वाले एज ग्रुप का जो आंसर है उसी को रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत ही कम गतिविधि कर रहा है, कोई मतलब काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए ऐसे पुरुष को। ठीक है, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसको 2600 से 2800 कैलोरी, और जो काफ़ी काम कर रहा है एक्टिव है उसको 3000 कैलोरी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर इस एज ग्रुप के लिए दे रखा है, ऐसे ही महिलाओं के लिए भी अलग है, जो बहुत ज़्यादा गतिविधि कर रही हैं 19-30 साल की महिलाएं, उनको 2400 कैलोरी चाहिए, इस तरीके से बताया गया। आप इस चार्ट को देख सकते हैं आराम से। ठीक है,
वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि आपको जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में दे रखी है आईसीएमआर की ऑफिशियल, आप उसके थ्रू जाके देखें और उन डाटाओं को अच्छी तरीके से देख लें एक बार, और लगभग उसी तरीके से आइडिया लग जाता है कि प्रश्न, जैसे मान लीजिए पिछली बार प्रश्न आया कि, देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न हम, यहाँ देखिए, ये देखिए पिछली बार का प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, और यहाँ पर ऑप्शन इतने दूर दूर के दे रखे हैं कि ये देखो इतना तो 2200 तो हमको समझ में आ रहा है, ये तो लड़कियों वाला ग्रुप है, 2300 वाला भी लड़कियों वाला है, 3400 वाला तो हमने देखा ही नहीं है, तो 2730 ही आंसर होगा। ठीक है, अब हमको ऐसे आंकड़े याद नहीं करने कि 2730 ही होता है कि 35 होता है, आंकड़े इतने नज़दीक नहीं होते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, इसलिए इसके एग्जैक्ट आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलते। अब देखिए पुरुष के लिए वयस्क बोला है तो 1930 वाला देखेंगे, और ठीक ठाक काम करता है यानी उसने मध्यम स्तर का काम बताया तो मॉडरेटरी एक्टिव यानी 2600 से 2800 के बीच में अपना आंसर आएगा, और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन दिया है 2600 से 2800 के बीच में 2730। तो इस तरीके से हमको देखना है, ना कि हमको एग्जैक्ट आंकड़े पढ़ने की, बस सर वहाँ पे 2730 दिया है, यहाँ 2750 दिया है, तो इतना डिफरेंस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं गर्भावस्था व स्तनपान स्थिति में संतुलित आहार, यानी कि धात्री महिला के लिए संतुलित आहार क्या जरूरी है। देखिए जो वयस्क के लिए जरूरी है उतना तो जरूरी है ही, एक गर्भवती महिला के लिए और जो स्तनपान करा रही है उस महिला के लिए, लेकिन अतिरिक्त और कितना चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए, तो एक गर्भवती महिला को 300 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए होती है नॉर्मली, यानी कि जैसे कि गर्भवती महिला है आपकी, पहले उसको मान लो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसका गतिविधि इस तरह अच्छा काम करती है, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए थी, लेकिन अब जैसे ही वो गर्भवती हो गई तो उसको कितना चाहिए पड़ेगा, 2700 कैलोरी चाहिए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। इसी प्रकार अगर कोई स्तनपान करा रही है महिला माता है, तो शुरुआती 6 महीनों में उसको 550 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, और बाकी के 6 माह के बाद 6 से 12 के लिए 400 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त लेनी होती है। इसी प्रकार से प्रोटीन भी गर्भवती महिला को 25 ग्राम पर डे और स्तनपान करने वाली महिला को 18 ग्राम पर डे अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए। जितना प्रोटीन चाहिए उतना तो ले ही, क्योंकि देखो यहाँ पर गर्भवती महिला को ज़्यादा प्रोटीन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसके शरीर में एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब निर्माण के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की मात्रा गर्भवती होने के टाइम पे उसको ज़्यादा लग रही है और स्तनपान के टाइम पे थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, जितनी उसको खुद लेनी है उतनी तो लेनी है, एक्स्ट्रा 25 ग्राम पर डे और है, और स्तनपान कराते टाइम एक्स्ट्रा 18 ग्राम और है। इसी प्रकार से कैल्शियम में भी दोनों अवस्थाओं में एक्स्ट्रा 600 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसे ही लो लवण में, देखिए लो लवण में स्तनपान के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जब गर्भावस्था है तब 8 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त चाहिए होती है, तो वो आयरन की गोलियां खाते हैं सभी लोग, उससे कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं विटामिन, विटामिन में क्या है कि गर्भावस्था के अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती, कि गर्भावस्था में अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती, जितना विटामिन ए आपको चाहिए उतना ले रहे हो तो पर्याप्त है, लेकिन जब आप स्तनपान करा रहे हो तो आपको अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कितनी पड़ेगी ये मुझे किसी बुक में नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी नहीं किया। ऐसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, जो उसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, इनकी भी आवश्यकता दोनों अवस्थाओं में अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, गर्भावस्था में भी और स्तनपान के समय भी। इसी प्रकार से विटामिन सी की आवश्यकता स्तनपान कराते समय तो दोगुनी हो जाती है, यानी पहले हमको 40 मिलीग्राम चाहिए होती थी, लेकिन अब हमको 80 मिलीग्राम चाहिए होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। फेसबुक ग्रुप में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पोस्ट मैंने डाली हैं, नई पोषण आहार नीति जो 1 अप्रैल 2007 में लागू की गई मध्य प्रदेश में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मैंने वहीं पर डाली है, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को विजिट कीजिए, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। इसी प्रकार से अगर माता अनुपस्थित है तो अनुपूरक भोज्य पदार्थ
एक साल तक के बच्चे को किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, कितना कितना दिया जाना चाहिए, उसकी भी डिटेल वहाँ पे दे रखी है। शिशु के भार में वृद्धि का क्रमिक अध्ययन दे रखा है कि जब शिशु 2 महीने का हो जाता है तो उसके भार में कितनी वृद्धि होती है, 3 महीने का हो जाता है तो कितनी होती है, ये सब दे रखा है। और माँ की अनुपस्थिति में बोतल का दूध किस प्रकार दिया जाना चाहिए, अगर शिशु 6 माह से कम का है तो उसके बारे में भी डिटेल दे रखा है। दोस्तों हर चैप्टर हर टॉपिक हम वीडियो में कवर नहीं करा सकते, जैसे ये काफ़ी बड़ा सिलेबस था इस टॉपिक का भी, 8 प्रश्न इसमें से आने हैं, तो वीडियो में अपन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ ली जो समझने के लिए ज़रूरी हैं। ये चीज़ें आप पोस्ट देखकर और इसके जो चार्ट्स हैं वो देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आप ज़रूर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे पेपर के कुछ दिन पहले। दोस्तों अब आप एक नज़र मार लीजिए उन प्रश्नों पे जो पिछले वर्ष यानी 2014 की परीक्षा में इसी टॉपिक से आए हैं। इसी टॉपिक यानी कि ये जो टॉपिक है कि किशोरावस्था, बालावस्था, धात्री महिलाएं, नवजात को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, तो इन पे आप नज़र मार लीजिए। पहला प्रश्न आप वीडियो पॉज करके इनको देख लीजिए, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न है, वीडियो पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। और लेकिन आपको एक काम करना है कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं आपको, कि पहले का ए है, बी है, सी है, क्या है, इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। और फेसबुक ग्रुप पे मैं अपडेट कर दूंगा इनके आंसर जल्दी ही, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है, ये तो सरल है, आप कर ही लोगे। 6वां प्रश्न, 7वां, 8वां प्रश्न। आप कह रहे होंगे कि प्रश्न तो 8 ही आने हैं, पिछले साल 10 कैसे आ गए हैं, तो क्या था कि मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है एक आध दो प्रश्न ऐसे हों जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन टॉपिक लगभग को रिलेट करते हैं, तो उस वजह से मैंने समझ लिया। तो ये 10 प्रश्न हैं, आप इन 10 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और जब भी आपको टॉपिक का रिवीजन करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में टेबल ऑफ कंटेंट दिया है उसको देखिए कि कितने टाइम पर कौन सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, और आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच कर रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जय माता दी।